जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी, मैं आपको नोटिफिकेशन बता चुका हूं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कब भर्ती होगी, क्या प्रोसीजर होगा। परंतु दोस्तों, आप लोगों को मैंने अभी तक एक चीज़ नहीं बताई है जो कि बहुत खास है और अहम है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है आने वाले समय में। दोस्तों, टेरिटोरियल आर्मी में होता क्या है? सबसे पहले होगा फिजिकल। पहले मैं सारा प्रोसीजर आराम से समझाऊंगा, उसके बाद, क्योंकि वीडियो को स्किप मत करना आज, पहले होगा फिजिकल, उसके बाद होगा डॉक्टरी, उसके बाद होगा रिटिन, उसके बाद होगा फाइनल मेरिट। अब दोस्तों, अब से पहले हुआ करता था 2018-19 में जो भर्ती आई थी उसमें सबसे पहले फिजिकल हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा जो नए बच्चे हैं जिनके बाद में अग्निवीर आया है और उन्होंने केवल अग्निवीर के 100 बच्चे ही भगते देखे हैं, उन्होंने ओपन भर्ती का कोई सिस्टम नहीं देखा, उनके लिए जानकारी मैं सबसे खास बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक बात और, ये वीडियो उनके लिए जिन्हें कुछ नहीं पता, जिन बुद्धिजीवियों को सब पता है उनके लिए नहीं है। दोस्तों, इसमें 1600 मीटर होती है, बड़ी फाड़ू 1600 मीटर होती है। आप लोगों ने अगर कभी भर्ती देखी हो तो ऐसी 1600 मीटर होती है, यानी कि 450 डाउन। और मैं इस जोन की बता रहा हूँ जिस जोन में यूपी आता है, सबसे मैन इस जोन की बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपकी रेस 450 की है और चार चक्कर आपको 500 बच्चों के बीच में भागने का कॉन्फिडेंस है और एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अगर थोड़ी सी भी तैयारी में हैं, यानी कि 3 महीने से आप या 4 महीने से आप या 1 साल से लगातार आप वर्कआउट कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ही आसान, मतलब इतनी आसान नहीं कह सकते, परंतु हाँ, आगे बैठने का एक्सपीरियंस, भागने का एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। दोस्तों, चार चक्कर हैं, चार चक्कर में पहले कर्नल पकड़ा करते थे, कर्नल साहब पकड़ा करते थे 4 या 5 बच्चे। अब की बार पता नहीं कितने का ग्रुप बनेगा और कितने बच्चे पकड़े जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों जिगजैग, उसके बाद आता है बीम, बीम के बाद आती है डॉक्टरी। अब आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है उसी दिन, अगले दिन आती है डॉक्टरी, या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या अगले दिन, जैसा भी उनका प्रोसीजर होता है, जैसा भी आरओ का प्रोसीजर होता है। और हाँ, भर्ती बीआरओ भी कराने के, मतलब बीआरओ कराने के चांसेस हैं, जो भर्ती बीआरओ कराएगा। दोस्तों, डॉक्टरी ऐसी होती है बिल्कुल सेम जैसी इंडियन आर्मी की होती है। अब आती है बात कि आप लोग रेस के साथ साथ अगर इसकी टेरिटोरियल आर्मी की फिजी, उसकी रिटिन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी उसमें भी बढ़ा दें दोस्तों, क्योंकि रिटिन भी इसमें 80% आपका फिजिकल हो गया, 10% आपका मेडिकल हो गया, 10% आपका रिटिन हो गया, क्योंकि इसमें मेन फिजिकल होता है दोस्तों। और रही रिटिन की बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिलेबस पे, कि इसका क्या सिलेबस आएगा, कौन सी बुक लें और कहाँ इसके लिए कोचिंग वगैरह करें, जब वो तो कोचिंग तो चलो बाद की बात है, उसके लिए समय मिल जाएगा कुछ समय का, परंतु जो भी है कि सिलेबस इसका क्या आएगा, अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस पे पूरी परफेक्ट वीडियो बनाऊं, तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं और अपना नाम और अपना ज़िला ज़रूर लिखें, क्योंकि हम जब आने वाले समय में कुछ हेडक्वार्टर के लिए देंगे, देखो नोटिफिकेशन आएगा, परंतु हम अपना कार्य प्रगति पे लगातार रखेंगे, लगातार अपने कार्य में अपने वर्क को करते रहेंगे, कि अगर हम हेडक्वार्टर गए या हमें कोई नोटिफिकेशन देना पड़ा, तो आप अपना नाम लिख के कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि भाई फिजिकल की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें वर्कआउट दे दो टेरिटोरियल आर्मी का। जय हिंद, जय भारत।